पार्ट 6 मुगलों से संघर्ष। इसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे कि दक्षिण का अभियान और उसके अंतर्गत आप शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक के द्वारा और शिवाजी महाराज के द्वारा ली गई समाधि, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हो रायगढ़, और शिवाजी महाराज ने जब राज्याभिषेक करवाया तब उस समय शिवाजी महाराज ने अल्प अवधि में 24 सितंबर 1674 को निश्चलपुरी गोसावी के मार्गदर्शन में तांत्रिक पद्धति द्वारा राज्याभिषेक करवाया। भारत में धार्मिक विधियों की दो परंपराएं वैदिक और तांत्रिक प्रचलित थी। इन दोनों पद्धतियों का आदर करते हुए शिवाजी महाराज ने इन पद्धतियों द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया, मतलब दोनों ही पद्धतियों का उन्होंने उपयोग किया, वैदिक और तांत्रिक दोनों। मध्यकालीन भारत के इतिहास में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक एक क्रांतिकारी घटना है। इस घटना के महत्व को प्रतिपादित करते हुए इतिहासकार सभासद कहता है, मराठा पादशाह इतना बड़ा छत्रपति बना ये कोई साधारण बात नहीं है। इसके बाद शिवाजी महाराज ने अल्पावधि में 24 सितंबर 1674 को निश्चलपुरी गोसावी के मार्गदर्शन में तांत्रिक पद्धति द्वारा राज्याभिषेक करवाया। भारत में धार्मिक विधियों की दो परंपराएं हैं, वैदिक और तांत्रिक प्रचलित थी। इन दोनों परंपराओं को का आदर करते हुए उन्होंने इन दोनों पद्धतियों का उपयोग करते हुए राज्याभिषेक करवाया। और यहाँ पर कुछ राज्य व्यवहार कोष में आए हुए कुछ प्रतिशब्द उल्लेखनीय हैं, जो यहाँ पर जैसे किताब, पदवी, खिताब, फरमान का मतलब होता है राजपत्र, जामीन का प्रतिभूति, हाली, संप्रति, माजी, पूर्व, भूतपूर्व, फिलहाल, तत्काल, वाहवा, उत्तम, वकूफ का अर्थ है प्रज्ञा, बेकूफ का मतलब है मूढ़, मूर्ख, दस्त, पोसी इसका अर्थ होता है हस्त स्पर्श, मुलाकात, दर्शन, कदम पोशी, चरण स्पर्श, झूठ, मिथ्या, कोलनामा, भय, फतेह का मतलब है विजय, फरियाद इसको बोलते हैं, अन्याय वार्ता, न्याय हेतु याचना करना, सिलेदार, स्वतुर्गी जिसके पास स्वयं का घोड़ा है। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय युवराज संभाजी राजे की आयु 17 वर्ष की थी। उन्होंने बुद्ध भूषण ग्रंथ में राज्याभिषेक समारोह का वर्णन किया है। यह वर्णन उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक समारोह के अवसर पर अलग अलग प्रांतों से जो विद्वान आए थे उन्हें बिना तौले और गणना किए विपुल धन दिया गया। साथ ही उन्हें वस्त्र, हाथी, घोड़े भी दान में देकर संतुष्ट किया गया। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी कीर्ति 10 दिशाओं में फैलाई। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक हेतु अत्यंत मूल्यवान और भव्य सिंहासन का निर्माण करवाया गया। सिंहासन की 8 दिशाओं में 8 रत्न जटित स्तंभ थे। यह सिंहासन 8 मन स्वर्ण का था तथा इसमें मूल्यवान रत्न जड़े गए थे। इसका अर्थ है यहाँ पर मन, एक मन का मतलब होता है 50 kg, तो 8 मन का मतलब हो गया 400 kg, मतलब 4 क्विंटल इतना स्वर्ण सिंहासन पर जड़ित था, और रत्न जड़ित भी थे उसमें और स्वर्ण भी लगा हुआ था उसमें। इस तरह से दक्षिण का अभियान उन्होंने शुरुआत किया। राज्याभिषेक के लगभग 3 वर्षों के बाद अक्टूबर 1677 में शिवाजी महाराज ने दक्षिण में अभियान चलाया। ये गोलकुंडा गए और कुतुब शाह से मिले। उन्होंने उसके साथ मित्रता की संधि की। आगे चलकर शिवाजी महाराज ने कर्नाटक के बंगलुरु, होसकोट तथा वर्तमान तमिलनाडु के जिंजी, वेल्लोर आदि किले और आदिल शाह के कुछ प्रदेश जीत लिए, लेकिन उनकी सेना ने वहां की प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाया। विजित प्रदेश के प्रशासन की देखरेख के लिए प्रमुख प्रशासक के रूप में रघुनाथ नारायण हणमंते की नियुक्ति की। शिवाजी महाराज के सौतेले भाई वेंकोजी वर्तमान तमिलनाडु के तंजोर में शासन कर रहे थे। शिवाजी महाराज का प्रयास था कि उन्हें भी स्वराज्य के कार्य में सहभागी करा लें। वेंकोजी राजे के पश्चात
तंजौर के राजाओं ने विभिन्न विद्याओं और कलाओं का संवर्धन किया। यहाँ का सरस्वती महल ग्रंथालय विश्व विख्यात है। दक्षिण के अभियान में शिवाजी महाराज ने तमिलनाडु का जिंजी किला जीतकर उसे स्वराज्य में समाविष्ट कर लिया। उनके इस कार्य को भविष्य में बड़ा ही निर्णायक महत्व प्राप्त हुआ। मुगल शासक औरंगजेब स्वराज्य को नष्ट करने के लिए महाराष्ट्र में पांव जमाए बैठा था। उस समय तत्कालीन छत्रपति राजा राम महाराज को अपनी सुरक्षा की दृष्टि से महाराष्ट्र से बाहर जाना पड़ा था। वे दक्षिण के इसी जिंजी किले के आश्रय में चले गए थे और वहीं से स्वराज्य का प्रशासन चलाया। इस दक्षिण विजय अभियान के पश्चात अल्पावधि में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज का रायगढ़ में निधन हो गया। 50 वर्ष की आयु में उनका निधन होना स्वराज्य के लिए अपूर्णीय क्षति थी। एक महान युग का अस्त हो गया।